नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा का चारवाटी क्षेत्र सदियों से पहलवानों एवं खिलाड़ियों की धरती रहा है। यहाँ से समय समय पर इंद्र केसरी जैसे पहलवानों ने जन्म लिया है। अब यहाँ मिनी स्टेडियम का शिलान्यास हो रहा है तो यहाँ के खिलाड़ी प्रदेश नहीं विश्व में भी अपना परचम लहराएंगे। शुक्रवार को मिनी स्टेडियम का शिलान्यास किया गया जिसमें मुख्य भूमिका निभाई आगरा ग्रामीण की विधायक एवं क्षेत्रीय सांसद ने। देश में ही नहीं विदेशों में भी यहाँ की धरती ने अपना नाम रोशन किया है। कभी वो खेतों में प्रैक्टिस करते हैं, कभी छोटे मोटे अखाड़ों पर प्रैक्टिस करते हैं। बुजुर्गों ने जब मुझे बताया और मैंने खुद देखा कि नौजवान भाई सड़कों पर दौड़ लगाते हैं, यहाँ की बहनें इतनी प्रतिभाशाली हैं, लेकिन व्यवस्था न होने के कारण उनको बहुत दूर जाना पड़ता था, क्योंकि सारी बहनें एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में नहीं जा सकती थी। इस बात को मैंने अपने मन में रख लिया और 2017 में जब आप सबका आशीर्वाद मिला, आप सब ने मुझे विधानसभा पहुंचाया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहली बार आगरा आए तो मैंने और चाहर साहब ने दोनों ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अकोला की धरती के लिए एक स्टेडियम का प्रस्ताव दे दिया। कैसे मेरा गांव का मेरा किसान साथी अपने परिवार को चला रहा है, कभी चिंता नहीं किया। मैं जानता हूं कि गांव में रहने वाला किसान उसके खर्चे क्या है, मैं जानता हूं कि परिवार कैसे चल रहे हैं। मैं अपने घर परिवार की महिलाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, महिलाओं के सशक्तिकरण के बात पर भी। अगर मेरे गाँव की परिवार की महिलाएं सवेरे जगने जल्दी से लेकर रात तक पशुपालन का काम नहीं करे, गाय और भैंस रखकर उनकी साड़ी देने से लेकर उनको काटने से लेकर उनकी चली लाने से लेकर उनके भिटोरा बनाने से लेकर कंधे थापने से लेकर गोबर को फिरकी हेल पर रखने से लेकर अगर दूध धोने का काम नहीं करे तो मेरे घर नहीं चल सकते। आज इस अकोला की धरती पर मिनी स्टेडियम का शिलान्यास रखा गया और मुझे खुशी इस बात की है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सरकार बहुत ही गंभीर कि जनता की समस्या कैसे हल हो, जनता का विकास कैसे हो, क्षेत्र का विकास कैसे हो, सरकार लगातार प्रयासरत है। और जब माननीय सीएम साहब पहली बार आगरा आए थे तो जनता की मांग थी कि यहाँ पर एक स्टेडियम बनाया जाए और मैंने पहला अपना प्रस्ताव माननीय सीएम साहब को ये दिया कि यहाँ की जनता के लिए एक स्टेडियम बनाया जाए। और बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए कि माननीय सीएम साहब ने मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार किया और जनता की उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ के बालक शांति बनाए रखे एक यहाँ पे मिनी स्टेडियम दिया, आज उसी का शिलान्यास यहाँ पर रखा। खिलाड़ियों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी मिनी स्टेडियम? सगन ने प्रसाद मिलेगा भैया, जैसा कि मैंने अभी आपने देखा होगा, मैंने बोला भी था कि जो खिलाड़ी जैसी भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा, जैसे भी व्यवस्था खिलाड़ियों को चाहिए वो खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था हम लोग पूरी प्रयास करके माननीय मुख्यमंत्री जी से खेल मंत्री जी से लेकर आएंगे। सब लेके जाए भैया, कोई खाली हाथ नहीं जाए। लहर को लेकर क्या कहना है आपका? बिजली और लहर को लेकर, बिजली किसानों की, लगातार किसान भाइयों के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि विभाग जो है उन्हें कुछ घंटे ही बिजली दे रहा है। मैंने MD साहब से, चीफ साहब से बात भी की और एक पत्र ऊर्जा मंत्री जी को भी लिखा है कि सरकार की योजनाएं कुछ हैं, लेकिन जो यहां पर ब्लॉक स्तर पर जो अधिकारीगण हैं, चाहे वो SDO हो, चाहे JE हो, चाहे लाइनमैन हो, वो जनता को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। उनकी शिकायत भी की और उनसे आग्रह भी किया कि 8 घंटे लाइट ना देकर आप जनता को कम से कम 18 घंटे लाइट नहीं दे सकते तो 15 घंटे लाइट तो दें, ऐसा मैंने उनसे बातचीत भी की है। और
हो सकता है अधिकारियों को कल हम बुला के अगर जो भी या क्षेत्र की बिजली की समस्या है उसका निपटारा भी हम लोग कराएंगे। पानी की समस्या का मुद्दा और उठाता है, पानी की समस्या आप जानते हो कि अकोला की धरती में मैंने बस देखा है कि बहुत सी जगह पर खारा पानी आ चुका है और हमने कई जगह पर ATM भी लगवाए हैं। और सरकार आप जानते हो कि भारत सरकार ने जो छोटे छोटे हैंडपम्प और जो समर सेविल लगते थे वो सब अब बंद करा दिए, उसकी जगह पर भारत सरकार ने एक बड़ी नई योजना क्षेत्र की जनता के लिए लागू की है कि हर घर में नल से जल मिलेगा जनता के लिए। जहां अगर अब हमें लगता है कि अकोला में कहीं पर खारी पानी है तो जहां पर मीठा पानी होगा वहां पर हम लोग पानी की टंकी की व्यवस्था करा के हर घर में नल से जल पहुंचाने का कार्य। मिनी स्टेडियम नाम जरूर है लेकिन पूरा एक स्टेडियम है ये, और लगभग 5 करोड़ रुपए के धन के आवंटन से ये स्टेडियम बनने जा रहा है, कार्य प्रारंभ हो गया है। और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ की प्रतिभाएँ नौजवानों के अंदर बहुत हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ का नौजवान केवल यूपी तक नहीं, देश तक नहीं, देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। देखिए मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, अभी तक तो यहाँ पे एक ढंग की व्यायामशाला भी नहीं थी, आज इतना बड़ा एक स्टेडियम यहाँ बनने जा रहा है तो ये क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। और ये योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए एक स्टेडियम दिया। आप किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जबकि अभी सभा में आवाज़ उठी थी कि किसानों को बिजली और नहर में सफाई नहीं हो पा रही है। देखिए ये स्थानीय एक समस्या है, लंबे समय से चली आ रही है बिजली समय, किसानों को जब उसकी फसल का समय हो, सिंचाई का समय, तो नहर में पानी और बिजली ये मिले। एक समय था जब DAP और यूरिया के लिए किसान लाठी खाता था, लेकिन जब से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी आप देखते होंगे कहीं यूरिया और खाद के लिए कभी किसान लाठी नहीं खाता है, उसको उपलब्धता होती है। ये समस्या है, मैं आज ही कल मैं अधिकारियों से बात करूंगा और ऊर्जा मंत्री से भी बात करूंगा कि मेरे क्षेत्र के लोगों को, मेरे प्रदेश के लोगों को, सभी किसानों को समय पर बिजली, पूरी बिजली मिले, पर्याप्त जितनी बिजली की आवश्यकता। यहाँ एक पानी की भी समस्या है, पानी खारा बताया जा रहा है, इस पर आपकी तरफ? खारे पानी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि वो मीठे पानी की व्यवस्था हो, और उसमें जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ी योजना केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार लाई है, हर घर को मीठा पानी, हर घर नल, ये योजना है। और आप आने वाले समय में देखेंगे अगले 2 वर्ष में, 3 वर्ष के भीतर हर घर में मीठे पानी का नल होगा और ये समस्या का समाधान होगा। अकोला के बरसों पुरानी समस्या मांग है कि यहाँ तहसील बननी चाहिए, तहसील को लेकर अब ये देखिए एक टेक्निकल विषय है, अब इस पर मैं एक बार समझ लूँ और अगर जनता चाहती है कि तहसील बने तो अच्छी बात है। अब तो हमारे यहाँ तो अकोला ही क्या, जो ब्लॉक है वो इतने बड़े हो गए हैं कि तहसीलें तो अभी इसका और बननी चाहिए, अकोला की मांग पूरी हो, अच्छी बात है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किसानों की आय दोगुनी करने की अभी आपने वहाँ भी बात की थी, नए नए प्रयोग कर रहे हो, तो हमारे माध्यम से आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हो, आगामी क्या योजना है आपकी? देखिए किसानों के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है उनकी आय को बढ़ाने का। पहली बार देश में किसानों पर बात हुई है, पहली बार देश में किसानों के काम की योजनाएं बनी है। आज तक किसानों के नाम पर केवल भ्रम की राजनीति की गई है, केवल किसान किसान कह के उनको भ्रम में डाला गया है, किसान के नाम पर राजनीति की गई है, किसान को आगे करके राजनीति की गई है, लेकिन किसान के लिए योजना कोई नहीं बनाई। पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी, उस दिन उनकी नीयत स्पष्ट आ गई थी जब उन्होंने ये घोषणा की थी कि मेरे देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये उसके खाते में भेजने का काम शुरू किया, पहली बार शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं देश के किसानों की आय बढ़े, इसके लिए वो विधेयक लाए हैं, आने वाले समय में किसानों को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये जब खरीफ की और रबी की फसलें 1-2 आएंगी लगातार, उसके परिणाम आना शुरू हो जाएगा। ब्लॉक स्तर पर क्या योजना है आपकी? देखिए अभी तो मैं पूरे देश के अन्य अन्य प्रदेशों के अपने प्रवास पर हूँ, जगह जगह किसानों से भी मिल रहा हूँ, संगठन को भी बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चा का जो कार्यकर्ता है वो किसानों के बीच में भी जाएगा। हम ब्लॉक स्तर पर एक बड़ी बृहद किसान सम्मेलन, किसान गोष्ठियाँ लगाएंगे, FBO बने, किसान को जानकारी हो बिल के बारे में, इसका लाभ कैसे मिलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि किसान को पता नहीं चल पाता कि उसको क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, तो वो योजनाओं का पता चले, किसान उसका लाभ ले सके, किसानों में आपस में भाईचारा रहे, किसान आपस के झगड़े समाप्त करके एक होकर अपनी उन्नति में आगे बढ़े, ऐसा हमारा प्रयास।
अकोला ब्लॉक का अकोला ग्राम पंचायत में आज मिनी स्टेडियम का शिलान्यास हुआ है माननीय सांसद जी माननीय विधायक जी द्वारा। ये लोग की बहुत दिन की इसका मतलब डिमांड था, इसमें मुख्यमंत्री जी का घोषणा के अंतर्गत 495 करोड़ मिनी स्टेडियम के लिए अलॉट हुआ है। यूपी सिट को इसका कार्यदायी संस्था है, तो आज शिलान्यास हुआ है। हम लोग कोशिश करेंगे इसको जल्दी कम्प्लीट करें ताकि लोगों को इसका उपयोग मिल जाए। माननीय विधायक जी के सहयोग से, सांसद जी के सहयोग से, पूरे क्षेत्र के सहयोग से यहाँ मिनी स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की प्रतिभा निकल के आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से सेलेक्ट होंगे। इससे पहले भी इतिहास में भी रहा है कि यहाँ से क्षेत्र में आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में लोग जाते रहे हैं और यहाँ का कल्चर ही ऐसा है कि यहाँ लोग एक प्रतिभाशाली हैं, इसलिए यहाँ मिनी स्टेडियम बनना भी बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए माननीय योगी जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी क्षेत्रीय जनता के लिए ये सब की आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी अकोला जैसे क्षेत्र में स्टेडियम का ना होना इससे पुरानी सरकारों की नाकामी को दर्शाता है। जब ओलंपिक में चीन और छोटे छोटे देश गोल्ड मेडल ले लेते हैं और भारत के हिस्से में गोल्ड मेडल नहीं आते तो हमारे सर झुक जाते हैं और हम इस बात पर गर्व करने लायक नहीं रहते। हालाँकि हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी और पहलवान होते हैं, उसके बावजूद भी हमारे बच्चे गोल्ड मेडल नहीं ला पाते क्योंकि हमारे बच्चों को सुविधाएं नहीं थी। तो योगी जी का और मोदी जी का धन्यवाद, उन्होंने ग्रामों के बारे में सोचा, गांव के बच्चों के बारे में सोचा और अकोला जैसी जगह पर स्टेडियम दिया। अगर चारबाटी को अगर आप देखते हैं तो आर्मी स्पोर्ट्स, इसमें सबसे पहला अगर कहीं भी देश में कहीं भी कोई बॉर्डर होगा वहाँ पर आप सुनेंगे तो अपने यहाँ के लोग ज़रूर मिलेंगे वहाँ पर। अगर हमें कहीं प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती थी, अपने युवाओं को कहीं प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती थी तो उन्हें रोडों पर दौड़ करने के लिए जाना पड़ता है, एक्सरसाइज करने के लिए रोडों पर जाना पड़ता है, दूर दूर भटकना पड़ता है। अगर कोई खिलाड़ी उच्च लेवल की लिए तैयारी करता है तो उसे भरतपुर, आगरा, मथुरा, दिल्ली बाहर जाना पड़ता है। अब हम सब के लिए एक समस्या का बड़ा ही समाधान हुआ है, जो मिनी स्टेडियम मिला है इससे हम सब लोगों के लिए एक जीवन दान मिल गया। जो युवा अपना समय व्यर्थ करके, पैसा व्यर्थ करके दूर दूर जा करके तैयारी कर रहे थे, आज उन्हें अपने घर में तैयारी करने के लिए स्टेडियम मिल गया। इससे एक तो खिलाड़ियों में निखार आएगा, दूसरा जो गांव असमर्थ लोग थे जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते थे, आज उनके लिए इस स्टेडियम के द्वारा एक इतनी बड़ी सुविधा मिल गई कि वो अपने बच्चों को आसानी से पास भेज देंगे। जनता इतनी खुश है कि लोग खुद ही बिना किसी सूचना के यहाँ पर इसके लिए आए और उन सबों ने, जब ये जगह की कमी पड़ रही थी तो सब ने अपनी तरफ से चंदा एकत्रित करके इस भूमि को अपने नाम करा के रजिस्ट्री कराने के लिए अपने पास से पैसा लगाया और इन सब जमीन को नाम कराया। आज यहाँ पर लोगों में हर्षोल्लास है, इसलिए अपने किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बड़े भाई राय कुमार चार्ज आए, बहन हेमलता दिवाकर जी आए, इनके भी अथक प्रयास रहे, सामाजिक जनता का भी बहुत ही योगदान रहा, इस क्षेत्र में बहुत बड़ी खुशी है। इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मौजूद हुआ मेरे साथ आगरा जगनेर रोड स्थित अकोला में, अकोला की पावन धरती पर आज यहाँ एक मिनी स्टेडियम का शिलान्यास हुआ है। आपको बता दें कि अकोला चारवाटी क्षेत्र से समय समय पर प्रतिभाएं खिलाड़ी निकलते रहे हैं, वहीं सेना में भी जवान जाते रहे हैं। खेल खिलाड़ियों के लिए शहर के लिए जाना पड़ता था, परंतु अब उन्हें शहर नहीं जाना पड़ेगा और इसी स्टेडियम में वो अभ्यास करते रहेंगे। क्षेत्रीय सांसद और विधायक के प्रयासों के द्वारा यहाँ मिनी स्टेडियम बनवाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा एक बड़े बजट के द्वारा यहाँ इस स्टेडियम का शुभारंभ किया गया है और उन्होंने कहा है कि ये नाम का मिनी स्टेडियम होगा परंतु ये शहर से भी बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।